Next question. Question says a train moving at a speed of 220 meter per second towards the stationary objects emits a sound of frequency 1000 hertz. Some of the sound reaching the objects get reflected back to the train as echo. सवाल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन इज और हमें सजेस्ट किया है स्पीड ऑफ साउंड हम ले सकते हैं 330 ऑप्शंस है हमारे 3500 4000 5000 या फिर 3000 हर्ट्ज अगेन सिंपल सवाल है मैं यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आपका ये सवाल डबल डॉपलर इफेक्ट का है पर इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं पहले वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके हम वैल्यू निकालते हैं फिर मैं आपको बताऊँगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला आया कहाँ से सिनेरियो ये है कि ये आपका लेट्स से कार है या ट्रेन है ये ऐसे जा रही है इसकी वेलोसिटी वी सोर्स है ये आपकी कोई बिल्डिंग है ये आपका हिल है वहाँ से इसने आपका एक सोर्स से साउंड एमिट हुआ साउंड यहाँ टकराया उसके बाद ये साउंड यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो गया इसको सुनाई दिया तो पहले वाले केस में जब ये जा रहा है तो ये आपका सोर्स है लेकिन दूसरे वाले केस में जब ये इको सुन रहा है उस वाले केस में ये ऑब्जर्वर भी है तो ये सोर्स भी है और ये ऑब्जर्वर भी है और ऑब्जर्वर नाउ ये सेकंड केस में ये आपका सोर्स हो जाएगा ये ऑब्जर्वर है राइट यहाँ पे जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एफ डैश विल बी इक्वल टू वी प्लस वी नॉट या वी सोर्स कह लीजिए डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस ये सेम इसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एफ ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं एक बार इससे आंसर निकाल लेते हैं फिर एक बार चेक करते हैं इसकी वैल्यू आई कैसे राइट सो यहाँ पे एफ डैश जो है उसको हम लिख सकते हैं 330 माइनस जो आपकी स्पीड ऑफ व्हीकल है या स्पीड ऑफ ट्रेन है वो हो जाएगा प्लस 220 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 220 एक मिनट 330 है ना ऑलराइट 220 और 330 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय आपका फ्रीक्वेंसी इसकी 1000 हर्ट्ज दे रखी है ऑलराइट इसे सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा ये ऊपर हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इसे डिवाइड करके 5 आ रहा है सो आपकी एफ डैश की वैल्यू हो गई 5000 हर्ट्ज सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 5000 हर्ट्ज विड बी द राइट आंसर ना एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं डिस्कशन कर लेते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से इस सिनेरियो में हम ये कहते हैं कि ये जब आपका फर्स्ट केस है आपका फर्स्ट केस ये हो गया कि ये आपका सोर्स है ये इधर मूव कर रहा है और ये आपका ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर इस टाइम पे आपका हिल है जो यहाँ पे देख रहा है तो उस केस में हम ये कहते हैं कि आपकी एफ वन की जो वैल्यू आएगी एफ वन डैश जो इसने इस हिल ने आपकी फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व की वो आएगी वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाय एफ ये आपकी एफ वन हो गई राइट सेकेंड टाइम में हम ये कहते हैं कि जब आपका ये अब क्योंकि यहाँ से इको आया है तो ये आपका ऑब्जर्वर है इसको रेड कलर से ड्रॉ करते हैं सेकेंड केस में ये आपका ऑब्जर्वर है ये आपका सोर्स है सोर्स सेकेंड केस में रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आपकी जो एफ डबल डैश की वैल्यू होएगी जो आपको ये वाली फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी वो होएगी वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश और एफ वन डैश आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे जब इंसर्ट करेंगे सो ये हो जाएगा वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वी अगेन वी कैंसिल हो जाएगा और इस फॉर्मूले पे हम पहुँच जाएंगे राइट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी 5000 हर्ट्ज वुड बी द राइट आंसर